आगामी कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है और भाजपा इस नारे को सच करने के लिए जोर शोर से लग गई है। अब की बार 400 पार, इसको सच कर दिखाने के लिए भाजपा पुराने साथियों की घर वापसी करा रही तो वहीं नए नए गठबंधन भी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा हुआ है। सिलसिले में बिहार में भाजपा जदयू में एक बार फिर से गठबंधन हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी एनडीए को बिहार में 2019 की जीत को दोहराने की उम्मीद है। वहीं यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ भाजपा छोटे दलों संग बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। ब्रज, अवध और बुंदेलखंड पहले से मजबूत थे, कुछ दलों को साथ लेकर सपा के प्रभाव वाले पूर्वांचल को साधने की भाजपा की तैयारी है। भाजपा ने अब राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के सहारे चुनौतीपूर्ण माने जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संतुलन बनाने की भी तैयारी पूरी कर ली है। RLD के जयंत चौधरी से भाजपा की बातचीत अंतिम दौर में है। अभी तक रालोद, जयंत चौधरी सपा का हाथ थामे इंडिया गठबंधन में थे। सपा और RLD ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। गठबंधन के तहत RLD को 7 सीटें दी गई थी, जिसमें जयंत चौधरी खुश नहीं थे, लेकिन अचानक घटनाक्रम बदला और उनकी बातचीत भाजपा के साथ शुरू हो गई। भाजपा ने जिस तरह 2024 के लिए पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी की है, वह चुनावी मैदान में विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ा सकती है। आपको बता दें 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी RLD ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर थी। पूर्वांचल में असर डालने वाले कुर्मी बिरादरी को साधने के लिए भाजपा ने अपना दल का दामन 2014 से थामे रखा है। विषाद पार्टी भाजपा के साथ है। राजभर जाति के असरदार नेता ओम प्रकाश राजभर को भाजपा वापस अपने साथ ले आई, जो कि 2022 में सपा के साथ चले गए थे। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल फिर से BJP के साथ NDA में वापसी कर सकती है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर अकाली दल की BJP से बातचीत चल रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर BJP और अकाली दल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, जिसके विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया था और अकाली दल NDA गठबंधन से बाहर हो गई थी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री N. चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भी NDA के साथ जा सकती है। TDMI के प्रमुख N. चंद्रबाबू नायडू ने 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें TDP अभी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया और NDA में से किसी का हिस्सा नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए बनी विपक्षी एकता NDA गठबंधन चुनाव से पहले ही टूटती नजर आ रही। सीटों पर बंटवारा पर फंसे पेच को लेकर कई पार्टियां नाराज दिख रही हैं। वहीं इस गठबंधन को बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री भी इस गठबंधन से निकल गए हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए NDA गठबंधन बनाया था और वो अलायंस को तोड़कर भाजपा में चले गए हैं।
नीतीश के जेडीयू, अरविंद केजरीवाल की आप, ममता बनर्जी की टीएमसी भी खुद को इंडिया और कांग्रेस से अलग कर लिया है और इसी तरह जयंत चौधरी की आरएलडी भी इस राह पर चलने के तैयार है। बहरहाल कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं हर पल की अपडेट्स के लिए हमारे हिट टीवी ऐप को डाउनलोड करें।